मनीषा पसंद है आपको? पक्की बात, ये तो स्टार, यही तो चाहिए था तुझे, स्टार बन गई स्टार। अभी स्टार बने बट अभी आपका प्यार बनना तो बाकी है ना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं मनीषा रानी एंड एलविस यादव के बारे में। गाइज, दोनों का प्यार चल रहा है या नहीं, क्या रिलेशनशिप में है ये दोनों, क्या दोनों आने का ट्राई कर रहे हैं। गाइज, इन दोनों से रिलेटेड आप सभी के अंदर जितना भी डाउट है गाइज मैं क्लियर करने वाला हूँ। और गाइज, एलविस यादव की मम्मी मनीषा रानी से रिलेटेड क्या बोला है, मनीषा रानी को पसंद करती है या नहीं। गाइज, एलविस यादव ने अपनी मम्मी को पूछा था, क्या आप मनीषा रानी को पसंद करती हो, मनीषा रानी अच्छी है, तो उसकी मम्मी ने क्या रिप्लाई दिया। गाइज, मैं इस वीडियो में आप सभी को दिखूंगा। सो गाइज, सबसे पहले तो आप उस क्लिप को देखो कि एलविस यादव ने बिग बॉस से आने के बाद जो मनीषा रानी से बात की थी, उसके बाद दिखाऊंगा उसकी मम्मी का क्लिप। सो गाइस, क्लिप देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई तेरा तो गलत टाइम पे फोन आता हर बार। क्यों होता है, साले रह गया क्या? बोले गलत टाइम पे क्यों कॉल आता है? अरे मैं नहाने जा रहा था यार, एकदम परफेक्ट टाइम पे कॉल आया है। मनीषा जी, और बताया व्हाट्सअप, इतने टाइम बाद तेरे से बात हुई बिग बॉस के बाद, हाउ आर यू? ओह माय गॉड, आप तो हमको भूल ही गए यार, ऐसा कौन करता है। नहीं यार, उस दिन मैंने मैसेज करे थे तेरे को, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख मैंने करे। बेवफा 40 420 एक महीने का मेरा प्यार, मेरा एतवार सब भूल गए आप। इतना जल्दी लोग बदलता है यार, विनर बनने के बाद इतना पिछवाड़ा में भाव बढ़ जाता है। ओह माय गॉड यार, तू मेरे को डांट रही है यार। क्यों डांट नहीं सकते हैं, इसके चक्कर खत्म हो गया क्या? बस बिग बॉस के अंदर तक था? नहीं यार, वी आर फ्रेंड्स यू नो। यस मनीषा जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं कह रहा हूँ तू यहाँ का चक्कर नहीं लगा रही, तू कह रही थी मैं दिल्ली आऊंगी। हाँ तुम प्यार से बुलाइए ना, तो सारा जाएगी कि हम लंदन पहुंच जाएंगे, बस आप बुलाइए। वाह यार, तू तो अंदर भी ऐसी थी बाहर भी ऐसी, मुझे तो लग रहा था तू चेंज हो जाएगी। कोई माय के लाल बाप का पीला मनीषा रानी को नहीं बदल सकते मंचली जी। वाह मनीषा जी, अंदर भी आपसे प्यार करते थे और बाहर से निकलने के बाद आपसे और प्यार हो गया आपको। ओह माय गॉड, क्यों जीत गया मैं इसलिए? सी आप हारते भी तब भी प्यार रहता मंचली जी। आपको पता ना कि हम कभी भी, आप बड़ा आदमी थे हमको पता नहीं था, तब भी हम फ्लर्टिंग कर रहे थे आपसे पहले। इट्स एन ऑनर, इट्स एन ऑनर, मैंने बड़े आदमी के साथ फ्लर्ट किया। इट्स एन ऑनर। बहुत बढ़िया यार, और सही चल रहा है सारी चीजें? तेरे इंटरव्यू बहुत सारे आ रहे हैं मैंने देखे। हाँ यार, पूरा एकदम स्टार वाला फीलिंग आ रहा है, सब मुंबई में घेर में ले रहा है, घर के नीचे मीडिया पहुंच जा रहे हैं, बाहर पहुंच जा रहे हैं। अब तो बन गई तू स्टार, यही तो चाहिए था तुझे, स्टार बन गई स्टार। अभी स्टार बने बट अभी आपका प्यार बनना तो बाकी है ना। ऑल राइट गाइज, होप कि आप सभी ने यहाँ तक देख लिया। एंड गाइज, चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि एलविस यादव की मम्मी मनीषा रानी से रिलेटेड क्या बोला है। कह रहे थे दोबारा बोलो। तेरे नजर का चश्मा लगवाऊंगा तेरे, मैं कह रहा हूँ। सुनो अपना अलार्म किस बात का लगा रखा भाई, मोटर बंद कर दी वाई बार प्लीज। मैं कह रहा हूँ कुछ खाने पीने का देखा बना रखा। थैंक्स मोटू भाई, थैंक यू। मनीषा पसंद है आपको? पक्की बात, अच्छा करे भाई। क्या डांस बहुत बढ़िया करे वो भाई। मम्मी अभी तारीफ कर रही मनीषा की कि मनीषा डांस बहुत क्या लगा। मैंने कहा भाई वो प्रोफेशनल है यार, मेरे से कंपेयर मत करो। हैं हम बारात में नाचे हैं, हम वे प्रोफेशनल नाचे तो भाई। बारात में भी कहां नाचे अभी? अरे यार शिट भाई, इतनी बेइज्जती हो रही है, शिट भाई, बाय बाय बाय। सो गाइस यार, बस कुछ इतना ही बोला था। और गाइस यार, ये सब को लेकर आप सभी का राय क्या है, आप सभी का ओपिनियन क्या है, आप सभी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो गाइस यार, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।